तब से मेरे अंदर लगने लगा कि मुझे अपने काम के साथ में कुछ और साइड बाई साइड करना चाहिए। मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मुझे नहीं पता था क्या करना, लेकिन दिमाग में शुरू हो गया था। फिर वही होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जब आप सोचना शुरू करते हो आपकी वाइब्रेशन जाते हैं और फिर परमात्मा आपको कनेक्ट करता है ऐसी चीजों से। 2011 में एक मेरे डॉक्टर थे, बहुत क्लोज थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी कंपनी, आपने नाम सुना होगा एमवे, ठीक है, 2011 में मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहां पे। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ फटाफट, जैसे थोड़ा सा आइडिया लग सके आपको, बाकी आपने इस पे सुना होगा सर स्टोरी। तो स्टार्ट किया 2011 में स्टार्ट किया एंड 2015 तक वहाँ पे किया, फाउंडर प्लेटनम गए वहाँ पर, बहुत तेजी के साथ काम किया एंड पर अगेन ग्रोथ नहीं हो रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था, कुछ और नया करने का देखा। 2015 में भरत सर से मुलाकात हुई है ना, तो वही उनकी सीढ़ियाँ देखा करते थे, उनकी वीडियो देखते थे, लगता था कि यार बंदा तो बड़ा जोरदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत सुना था उनको। 2015 में जब उनसे मिला, उनसे जाना समझा एंड फिर बाली सर से मुलाकात हुई एंड फिर वेस्टीज का डिसीजन लिया। और वेस्टीज का मैंने पोटेंशियल ही देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो पांचवी फेल हैं, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेडीज लोग हैं, मतलब मैं जिस लेवल पर था कंपनी में, कॉरपोरेट में, राइट, जो एजुकेशन वाइज थी, मुझे लगा कि जब ऐसे लोग कर सकते हैं इस बिजनेस को, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा सकते हैं, BMW मर्सिडीज लेके घूम सकते हैं, उनको तो तुम तो बैंड बजा सकते हो इस बिजनेस में, बहुत बड़ा काम कर सकते हो, भाई तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ तो रहता है तुम्हें यार, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रखा है, 70,000 रुपये बनाते हो, अब एटीट्यूड पाल रखा है जबरदस्ती का। तो मैं डिसीजन लिया एंड उसके बाद बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, यकीन मानिए महीने भर, महीने 20 दिन 25 दिन घर से बाहर रहता था, जिसने जहाँ बुलाया, किसी ने मुझे ईस्ट बुलाया तो वेस्ट चला गया, नॉर्थ, मतलब इंडिया का किसी भी कोने में जहाँ जिसने बुलाया काम करने निकल गया, ये सोचा नहीं कि वहाँ पर काम होगा नहीं होगा, बस एक धुन सवार थी कि करना है, कुछ बड़ा करना है, राइट। और बस ये कारोबार चलता गया, अब 6 महीने में क्राउन हो गया, फिर UCD DCD, 32 महीने के अंदर DUCD हो गया, राइट, एंड ये सब कुछ तब पॉसिबल हो पाया जब विनिंग टीम ने बहुत बड़ा रोल रहा, भैया की मेंटरशिप, गाइडेंस, उन्होंने जैसा बोला जिस तरीके से गाइड किया वो करता गया, और आज उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, विनिंग टीम की पावर है कि आज पूरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में है एंड हम फ्री है। ऐसे कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट और फ्रीडम चाहते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए महीने चाहते हैं, हम ये भी वांट चाहते कि नहीं, सब लोग हाथ नहीं उठा रहे सर उनके मारे, कोई मांगोगे तो ऊपर वाला देगा, बैठा हुआ है पता देने के लिए, अब मांगोगे नहीं। एक बंदा बोलता है मैंने सपना देगा, क्या मैंने सपना देगा, क्या क्या देगा सपने, मैंने सपने में मूंगफली खा रहा था, क्या बोले सपने में मूंगफली खा रहा था, काजू भी तो खा सकता है भाई, कौन से पैसे लग रहे हैं तेरे, सोच छोटी कर रखी है, समझ रहे मेरी बात को, आपको परमात्मा उतना ही देने वाला जितना आप सोचते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, कोई भी इंसान अपने लाइफ में उतना ही अचीव करता है जितना वो सोचता है। अगर कोई बंदा 25,000 रुपए महीने कमा रहा है, इसका मतलब उसने अपने लिए 25,000 का ब्रैकेट सेट कर रखा है, परमात्मा से मांगे इतना, तो देने वाले के पास कोई कमी है क्या बताइए मुझे, कोई कमी नहीं है, हम मांगने में कंजूसी कर देते, मांगना मतलब सोचने में कंजूसी कर देते। आप पहले बड़ा सोचना शुरू करिए, राइट, परमात्मा ने सारी चीजें आपके लिए बना रखी है, जितनी भी लग्जरी आप देख रहे हैं ना बाहर, वो सब कुछ आपके लिए बना कर रखेगी, बट वहां तक जाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप शोरूम जाते हैं ना चीज शॉपिंग करने के लिए, एक छोटा सा टैग लगा होता है, यस और नो, वो जो टैग है ना वो चुकाना पड़ेगा आपको, अगर वो कीमत आपने चुका दी तो वो चीज आपके लिए तैयार है, राइट। तो हम बात करते हैं कि जब आप बिजनेस से शुरुआत करते हैं